श्री भाजप का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा जमशेदपुर वाले बैठे थे लेकिन अब 11 बजे यहां खाटू वाले बैठे हैं। यही होता है रंग चढ़ना और कुछ नहीं होता। और जिसमें भक्ति का रंग चढ़ता है ना, अब एक बात और है, भक्ति के रंग चढ़ने वाले दिन में जितनी मर्जी बार लड़ लें शाम को फिर इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे गांजा पीने वाले होते हैं, पूरा दिन लड़ लेंगे शाम को चला छा आई जा, ऐसे ही भक्ति वाले होते हैं। लेकिन उस गांजे में सुध बुध भूलकर अपनी जिंदगी खराब करते हैं और इस नशे में सुध बुध भूलकर स्वयं भगवान हमारी जिंदगी को बनाने आते हैं साहब, बस इतना सा फर्क है। आ गया मैं दुनिया सारी है डगरिया, जादू भरी है डगरिया, शाम तहरी नगरिया, हम कभी इकबर दिखाई दे, शाम तहरी नगरिया, हम कभी इकबर दिखाई दे, शाम तहरी नगरिया। देखिए समय था हमारा 7 बजे से 10 बजे का, थोड़ा विलंब हुआ, इतना बड़ा आयोजन है हो जाता है, ठीक है ना। हमें अच्छा लगेला, और कौन से बैठे हैं, राजस्थानी बैठे हैं, मन है मन है अच्छा कैसे, ठीक है। तो जिसको जैसे अच्छा लगता हो वैसे गाना, क्योंकि बालाजी महाराज सारी लैंग्वेज समझते हैं, हम में कमी हो सकती है हमारे भगवान में कमी नहीं है। बोलिए अंजनी के लाल की। कौन से हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, बड़े हनुमान जी साक्षी बाजार से पहले, हाँ खड़े हनुमान जी, तो एक बार उनको याद करके दोनों हाथ उठा के ताली नहीं बजानी, लहराना है जरा, पता लगे बजरंग बली के कौन कौन आए हैं भगत। अच्छा लगे से मुझे अच्छा लगे से मुझे अच्छा लगे।
दुनिया का सबसे बड़ा मस्त अगर कोई है तो भोले भंडारी है। और भोले क्यों है? एक भगत गया शिवलिंग पे जल चढ़ाने, चोर था, शिवलिंग के ऊपर सोने का घंटा टंगा देखा तो चुराने के लिए शिवलिंग पे चढ़ गया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, चोर को समझ ही नहीं आया प्रसन्न क्यों हुए। चोर ने पूछा, प्रभु प्रसन्न कैसे हुए? शंकर भगवान बोले, बेटा दुनिया मेरे ऊपर दूध बेल पत्र चढ़ाती थी, तू पूरा का पूरा ही चढ़ गया, बता तुझे क्या चाहिए। ये ऐसे भोले हैं। दोनों हाथ उठा के गाना, एक सुनो अंतरियामी जी, एक सुनो अंतरियामी जी, एक सुनो अंतरियामी जी, एक सुनो अंतरियामी जी, एक सुनो भोले बाबा जी, एक सुनो भोले बाबा जी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, 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 काली उम्र से भक्ति करती, काली मन से भक्ति करती, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ कर कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तोरे से रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात के बस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें जो छोड़ू मैं मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ो मैं मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ू मैं मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ो मैं मर जाऊं। मेरी माताओं के लिए भी संदेश है कि जहां इन्विटेशन ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। आपका मायका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपके पति की इज्जत करके आपको नहीं बुलाया गया तो नहीं जाना चाहिए। यही हुआ था दक्ष के साथ। राजा दक्ष की पुत्री थी सती, लेकिन दक्ष वैष्णव भक्त था, उसको भोलेनाथ में श्रद्धा नहीं थी। सबको बुलाया उसने, भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सती ने सोचा, मेरा घर है, मैं चली जाती हूं। लेकिन जब वहां भोले का अपमान देखा तो सहन नहीं हुआ। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ लड़ने के लिए नहीं बने, पढ़ने के लिए बने, सीखने के लिए बने हैं कि हमें करना क्या है। एक वो नारी थी द्रौपदी, जिसकी बेइज्जती हुई तो महाभारत हो गया। एक नारी ये सती थी, जिसके पति की बेइज्जती हुई तो दुनिया को एक संदेश मिला कि जहां बुलाया ना जाए वहां जाने की जरूरत नहीं। साथ दोनों हाथ उठा के नारी शक्ति के लिए आज रक्षाबंधन के दिन जरा ताली बजा के, ओ मैं तो प्यासी जन्म जन्म की, मैं तो प्यासी जन्म जन्म की, तुम्हें छोड़ मैं मर जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के मर जाऊंगी, तुम्हें छोड़ मैं मर जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के मर जाऊंगी। मैं क्या करूं, आ जा भाई। सब कुछ तुझको मान लिया, तू ही दौलत,
किया। जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए चाहे कलकत्ता से फ्लाइट जाए चाहे रांची से, इनको इतनी शक्ति देना कि काले जी तो ट्रेन फुल कर करके भेजे और इनके लेफ्ट राइट वाले फ्लाइटें बुक करके भेजे। जरा ताली बजा के ये बात, एक दो तीन चार। Ski!